हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस सीरीज में हम देखेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होगा और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इस सीरीज में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि इस सीरीज का ये 9th लेक्चर है। तो प्लीज़ आप फर्स्ट लेक्चर से वीडियो को स्टार्ट करें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज के पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कलिका निकलने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है और आलू की आँख में कितनी कलिकाएँ होती है। पूर्ण पुष्प में कौन सा चक्र पाया जाता है और पुष्प के जनन चक्र कौन से हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धी जनन मुख्यतया किन पौधों में पाया जाता है। अब इन पांचों क्वेश्चनों के आंसर आपको जरूर करने, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है बायोलॉजी, ठीक है। तो प्लीज़ आप यदि इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं इन क्वेश्चनों का, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी तैयारी है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अभी थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपनी जो है फैक्चुअल बुक ज़रूर पढ़ें और उससे सारे कॉन्सेप्ट को सीखें, सारी चीज़ें सीखें और फिर इन क्वेश्चनों का आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा जब इन क्वेश्चनों का आंसर आप करेंगे। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं हम लोग। तो किस प्रकार की कलिका निकलने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुष्प कलिका। यदि पौधों के अंदर से कलिका के अंदर से जो है पुष्प कलिका निकल जाए पौधों के अंदर से, तो उसकी वृद्धि जो है रुक जाती है। आलू की आँख में कितनी कलिकाएँ होती है, तो आलू की आँख में 3 कलिकाएँ होती है। आलू की आँख में कितनी कलिकाएँ होती है, तो ये होती है 3। पूर्ण पुष्प में कौन सा चक्र पाया जाता है, तो पूर्ण पुष्प में ये सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र जो है पाए जाते हैं। पुष्प के जनन चक्र कौन से है, तो पुष्प के जनन चक्र है पुमंग एवं जायंग। पुमंग एवं जायंग जो है पुष्प के जनन चक्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धी जनन मुख्यतः किन पौधों में पाया जाता है। वर्धी जनन मुख्यतः जो है जलोद्भिद पौधों में पाया जाता है। वर्धी जनन मुख्यतः किन पौधों में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जलोद्भिद पौधों में जो है वर्धी जनन मुख्यतः पाया जाता है जलोद्भिद पौधों में। तो ये था इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंग्रोव पौधे क्या होते हैं और पौधों में असंग जनन क्या है और आवृत बीजी पौधे में पुंकेसर क्या है। धान तथा गेहूं में पुष्प पाए जाते हैं और आम तथा मक्का में पुष्प पाए जाते हैं। अब इन पांचों क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं हम लोग। तो मैंग्रोव पौधे होते हैं लवणोद्भिद, लवण वाले पौधे होते हैं, लवणोद्भिद होते हैं मैंग्रोव पौधे। और पौधों में असंग जनन क्या है, तो पौधों में असंग जनन जो है अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण है। अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण पौधों में असंग जनन कहलाता है। आवृतबीजी पौधे में पुंकेसर क्या है, तो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर जो है नर जननांग है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या है, तो ये है नर जननांग। धान तथा गेहूं में पुष्प पाए जाते हैं, तो धान तथा गेहूं में जो है उभय लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। धान तथा गेहूं में कैसे पुष्प पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उभय लिंगी। आम तथा मक्का में पुष्प पाए जाते हैं, तो आम तथा मक्का में जो है उभय लिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं। आम तथा मक्का में कौन से पुष्प पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उभय लिंगाश्रयी जो है पुष्प पाए जाते हैं। तो ये है इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है और पुष्प के सहायक अंग क्या हैं। अंजीर में परागण क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों का जो है कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। अब इन क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता जो है प्रोफेसर पी महेश्वरी को कहा जाता है। प्रोफेसर पी महेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है। पुष्प के सहायक अंग कौन से हैं, तो पुष्प के सहायक अंग जो है प्रह्लाद पुंज
एवं दल पुंज है, प्रहलाद पुंज एवं दल पुंज जो है पुष्प के सहायक अंग है। अंजीर में परागण होता है तो अंजीर में कीट परागण होता है। अंजीर में कैसा परागण होता है तो ये होता है आपका कीट परागण जो है अंजीर में अंग होता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है तो पौधे का जो है पर्ण भाग जो है फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है तो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है पर्ण भाग। यह है इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। अब इन क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है तो एक बार के खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्राव। एक बार के खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्राव। और संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है तो संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, यह है आपका वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है तो फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग ताज़ा पुष्प समूह कहलाता है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है तो यह है ताज़ा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेसिया है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प यानी फूल। तो यह इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है। और मक्के के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल किसके रूपांतरण है। और ऑटोगैमी किसे कहते हैं, एलोगैमी किसे कहते हैं और दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग होते हैं। अब इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर करने चाहिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो एक बार प्लीज़ आप जो है एक बार बायोलॉजी के सभी कंसेप्ट सभी फैक्ट्स को ज़रूर समझ ले सीख ले, ठीक है, तब इन क्वेश्चनों का आंसर करेंगे, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए इसके आंसर की बात करते हैं, तो पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण जो है परागण कहलाता है। और मक्के के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल किसके रूपांतरण है तो मक्के के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल जो है लंबी वर्तिकाओं के रूपांतरण है। ऑटोगैमी किसे कहते हैं तो ऑटोगैमी जो है स्वपरागण को कहते हैं। और एलोगैमी किसे कहते हैं तो एलोगैमी जो है पर परागण को कहते हैं। दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग होते हैं तो दोहरे निषेचन में 5 केंद्रक भाग होते हैं। दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग होते हैं तो ये होते हैं 5 केंद्रक भाग होते हैं। तो ये था इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतः प्रजनन ह्रास नहीं पाया जाता है किसमें। मक्का में परागण होता है, क्या होता है, भ्रूण पोषण होता है और भ्रूण पोषण में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्म का संयोजन क्या कहलाता है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। अंतः प्रजनन ह्रास नहीं पाया जाता है तो स्वपरागित पौधों में अंतः प्रजनन ह्रास नहीं पाया जाता है। मक्का में परागण क्या होता है तो मक्का में परागण जो है वायु द्वारा होता है और भ्रूण पोष कैसा होता है तो यह होता है त्रिगुणित यानी कि 3N। भ्रूण पोषण में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है तो ये कहलाता है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन जो है भ्रूण पोषण में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है एक नर युग्मक का अंडकोष से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन है। तो यह है इन प्रश्नों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्व अनिश्चयता की स्थिति में पौधे में क्या होता है और निमिलता से बढ़ावा मिलता है किसका। एनिमो फैमिली
एनिमोफिली, एनिमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? और एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? और जुफिली परागण किसके द्वारा होता है? अब इन क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो स्व अनिश्चयता का स्थिति जो है पौधों में होता है, ये होता है पर परागण के कारण। निमिलता से बढ़ावा मिलता है, तो निमिलता से बढ़ावा मिलता है स्व परागण को, स्व परागण को जो है निमिलता से बढ़ावा मिलता है। और एनिमोफिली, एनिमोफिली परागण किसे किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली परागण जो है वायु द्वारा होता है, एनिमोफिली परागण जो है वायु द्वारा होता है। और एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो एंटोमोफिली परागण जो है कीटों द्वारा होता है, एंटोमोफिली परागण कीटों द्वारा होता है। और चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो चमगादड़ों द्वारा परागण चिरैप्टेरोफिली द्वारा होता है। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चिरैप्टेरोफिली, चिरैप्टेरोफिली जो है चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। जूफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो जूफिली परागण जो है जंतुओं द्वारा होता है, जूफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जंतुओं द्वारा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें, और जो भी आपको सुझाव देना है आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।